You see it? Do you know why you're here? Bad luck, I guess. आखिर क्यों GTA 6 में दिखाए जाने वाले करेक्टर्स ने रॉकस्टार गेम्स को ये धमकी दे रखी है कि अगर रॉकस्टार ने उनकी बात ना मानी तो वो उन्हें अदालत तक घसीटेंगे। ऑन टीवी की वीडियो से रहें हर दम बाखबर। नाजरीन, GTA को पहली दफ़ा 1997 में लॉन्च किया गया था, लेकिन उस वक्त इस गेम के डेवलपर्स को ये बात कहाँ मालूम थी कि उनकी बनाई जाने वाली गेम आसमानों की बुलंदियों को छुएगी। GTA सीरीज की सबसे ज्यादा सेल होने वाली गेम GTA 5 है, जिसकी टोटल 18 करोड़ और 50 लाख कॉपीज को सेल किया गया और ये हिस्ट्री की सेकंड मोस्ट सोल्ड गेम्स में से भी एक है। GTA 5 को बनाने की कॉस्ट 265 मिलियन डॉलर थी, जबकि इस गेम से कमाया गया पैसा इस पे लगाई गई कॉस्ट से 1, 2 या 3 गुना ज़्यादा नहीं बल्कि पूरे 29 गुना ज़्यादा था। जी हाँ, यानी कि 26 करोड़ और 50 लाख डॉलर्स में बनने वाली गेम अब तक 770 करोड़ डॉलर्स कमा चुकी है, जिसे अगर इंडियन और पाकिस्तानी करेंसी में देखा जाए तो ये खरबों रुपये बनते हैं। हाल ही में रॉकस्टार की तरफ से GTA 6 के रिलीज़ किए गए ट्रेलर ने तो इंटरनेट पे धूम मचा रखी है। यूट्यूब की तरफ से ये बात भी अनाउंस की गई कि GTA 6 के ट्रेलर ने पहले 24 घंटों में ही 93 मिलियन से भी ज़्यादा व्यूज़ हासिल किए, जिसने अब तक के सारे रिकॉर्ड्स को तोड़ दिया है। GTA 6 के बारे में ये बताया जा रहा है कि ये गेम 2 बिलियन डॉलर यानी कि तकरीबन 6 खरब रुपये में बनने वाली है। अब आप लोग खुद ही सोच लें कि रॉकस्टार गेम्स GTA 6 से कितना पैसा कमाने वाली है। एक रिपोर्ट में तो ये बात भी सामने आई कि GTA 6 रिलीज से पहले ही 8 बिलियन डॉलर्स कमा लेगी, यानी कि जितना पैसा GTA 5 ने 12 सालों में कमाया वो GTA 6 एक ही साल में कमा लेगी। वैसे तो GTA 6 का ट्रेलर रात में आने वाला था, लेकिन रॉकस्टार ने इसे सुबह सुबह ही रिलीज़ कर दिया क्योंकि GTA 6 का ये ट्रेलर एक हैकर की जानिब से पहले ही रिलीज़ हो गया था और रॉकस्टार ने ये बात अपनी एक ट्वीट के ज़रिए बताई। आप लोगों को ये जानकर हैरानी होगी कि रॉकस्टार गेम्स को हैक करने वाला बच्चा सिर्फ 18 साल का है, जिसके बारे में मैं आपको आगे चल के बताऊँगा। GTA 6 इतनी रियलिस्टिक है कि जिसे देख के लगता है कि इसमें टिकटॉक और इंस्टाग्राम जैसी ऐप्स भी शामिल होंगी, जिसमें लोग फेम हासिल करने के लिए तरह तरह की वीडियोस और रील्स बनाकर डालेंगे। और ये भी गुमान है कि हम इस गेम के अंदर ही लाइव स्ट्रीम वगैरह भी कर सकेंगे। GTA 5 का लॉन्च डे तो काफ़ी बड़ा था, लेकिन GTA 6 का लॉन्च डे धमाकेदार होने वाला है। GTA 6 का ट्रेलर देख के लगता है कि ये गेम रियल लाइफ स्टोरीज पे बेस करती है, जिसमें रियल लाइफ करेक्टर्स और इंसिडेंट्स को भी इन्वॉल्व किया गया है, जैसा कि ये हैमर लेडी। ये वाकया 2020 में लॉस एंजलिस में हुआ था, जहां ये औरत अपनी पड़ोसी की गाड़ी को हथौड़ी से तोड़ रही है और इसे बुरा भला भी बोल रही है। ये इसे कहती है कि यहाँ से निकल जाओ। पड़ोसी ने जब इस औरत के खिलाफ पुलिस में कंप्लेन की तो इसे अरेस्ट कर लिया गया, लेकिन फिर इसे अगले ही दिन छोड़ दिया क्योंकि COVID-19 के रूल के मुताबिक मामूली जुराइम के मुलजिमों को फौरन रिहा कर देना लाजिम था। फ्लोरिडा जोकर लॉरेंस सेलिवन, जिसे फ्लोरिडा जोकर के नाम से भी जाना जाता है, उसने अपने टिकटॉक अकाउंट पे एक वीडियो अपलोड की जिसमें वो रॉकस्टार गेम्स को कहता है कि हमें बात करनी होगी। लॉरेंस सेलिवन के मुताबिक GTA 6 में दिखाया जाने वाला करेक्टर इसी से इंस्पायर होकर बनाया गया है, जिसपे वो रॉकस्टार गेम्स से 2 मिलियन डॉलर यानी कि तकरीबन 60 करोड़ रुपये डिमांड कर रहा है। जी हाँ,
that's me. That's the person they got the inspiration from. You see that? That's me. That's me. GTA, we gotta talk, GTA. We gotta talk. Or not, you gotta give me like a meal or two. So what's up? Holler at me, GTA, Rockstar Entertainment, Rockstar Games, Rockstar Enterprise. Florida Joke ain't having that. Y'all took my likeness. असल में ये ऑरेंज कलर में मौजूद शख्स लॉरेंस सलिवन है, जिसे 2017 में इस वजह से अरेस्ट किया गया था क्योंकि वो चलती हुई गाड़ियों की तरफ अपनी गन को पॉइंट कर रहा था। लेकिन लॉरेंस के इस स्टंट की वजह से किसी को भी नुकसान नहीं हुआ। इन सब के अलावा रॉकस्टार ने काफ़ी रियल लाइफ स्टोरीज और करेक्टर्स को GTA 6 में यूज़ किया है, जैसा कि एक नेकेड मैन का अपने यार्ड को साफ करना, एक नेकेड मैन का गैस स्टेशन को लूटना, एलिगेटर का पूल में नहाना वगैरह वगैरह। यहाँ आपको ये बात भी बताता चलूँ कि लिंडसे लोहान नामी एक्ट्रेस ने रॉकस्टार गेम्स को इस वजह से सू कर दिया क्योंकि GTA 5 में यूज़ होने वाला करेक्टर इससे मुशाबत रखता था। लेकिन जब ये केस अदालत में गया तो जज ने इस मुकदमे को बेमकसद और बेबुनियाद करार दिया। अब बात कर लेते हैं रॉकस्टार गेम्स को हैक करने वाले बच्चे की। रॉकस्टार गेम्स को हैक करने वाले बच्चे का नाम एरिजन कुर्ताज है, जिसकी उम्र सिर्फ 18 साल है। ये बच्चा लेप्सिस नामी ग्रुप का मेंबर है जो 2021 में बनाया गया था। इस ग्रुप ने अपना सबसे पहला साइबर अटैक दिसंबर 2021 में ब्राजीलियन हेल्थ मिनिस्ट्री पे किया। मार्च 2022 में लेप्सिस ग्रुप ने उबर, सैमसंग और माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज को हैक किया। ऐसा माना जाता है कि इस ग्रुप का मास्टरमाइंड एरिजन कुर्ताज है, जिसने एक होटल के कमरे में बैठकर रॉकस्टार गेम्स को हैक किया और GTA 6 का ट्रेलर लीक कर दिया। इस ग्रुप के ज्यादातर मेंबर्स को ब्राजील और यूके से अरेस्ट किया गया है और ये माना जाता है कि इस ग्रुप के ज्यादातर मेंबर्स टीनएजर्स हैं। आप लोगों का इस बारे में क्या कहना है हमें कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं आपसे अगली शानदार वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ।